ब्लड प्रेशर आपके रक्त की वो शक्ति है जो आपके आरटीज यानी कि आपकी धमनियों की दीवारों के अगेंस्ट पुश करती है। हर बार जब दिल धड़कता है तो ब्लड प्रेशर आपकी धमनियों में ब्लड पंप करता है। हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकेट्रिक काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो के क्या सिम्टम्स हैं और अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट हमें भुगतने पड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में दिल की धमनियों में ब्लड फ्लो काफी तेजी से होता है। यदि इसका ट्रीटमेंट काफी समय तक नहीं हो तो दिल का दौरा पड़ सकता है जिस कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना दोनों ही आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, वही ब्लड प्रेशर के कम होने से चक्कर आने लगता है। ज्यादातर लोग ब्लड प्रेशर में हो रहे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर और किडनी दोनों के लिए खराब होती है। नमक कम करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ये गलत है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कम होने के बाद ज्यादातर लोग मेडिसिन लेना और चेकअप कराना छोड़ देते हैं जो कि गलत है। लोगों को लगता है कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आप अगर कॉफी पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कॉफी में पाए जाने वाले कैफीन आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये कुछ समय के लिए आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो कर सकता है पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि ज्यादा कैफीन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर हाई है या लो कैसे पहचाने? हाई ब्लड प्रेशर में सिर दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, सीने में दर्द, नींद ना आना, घबराहट, सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। लो ब्लड प्रेशर में सुस्ती, निराशा, काम में मन ना लगना, घबराहट, हाथ पैर ठंडे होना, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। लो ब्लड प्रेशर में बॉडी के पार्ट्स में सही तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती है जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि किडनी भी फेल हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई या लो होने पर रोगी बेहोश हो जाता है और ध्यान नहीं देने पर रोगी कहीं भी गिर सकता है जिस कारण सिर में गंभीर चोट लग सकती है और कई मामलों में ब्रेन हैमरेज होने के केसेस सामने आए हैं। ब्लड प्रेशर हाई और लो में कुछ सिम्टम्स मिलते जुलते हैं जिस कारण एक आम व्यक्ति को समझने में दिक्कत होती है और जिस कारण इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। हाथ पैर ठंडा होना, चक्कर आना, बेहोश होना और घबराहट ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों में ही होते हैं। कई बार अधूरी जानकारी होने पर रोगी को लो ब्लड प्रेशर है समझकर इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर चीनी नमक पानी का शरबत दिया जाता है जो कि उस रोगी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उस रोगी के ब्लड प्रेशर को जांच करवाएं। डॉक्टर टेस्ट करके ही मेडिसिन देगा। थोड़ी सी लापरवाही से व्यक्ति को बहुत हार्म हो सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर ने उसे मेडिसिन स्टार्ट करवा दिया है तो वो कभी भी मेडिसिन ना छोड़े। ये सही बात है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप चाहें कि मेडिसिन का इस्तेमाल कम करें तो आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होगी, साथ ही एक्सरसाइज करना होगा और सबसे जरूरी बात टेंशन को खुद से दूर रखना होगा। ऐसा करने से आपके मेडिसिन की डोज अपने आप कम हो जाएगी, परंतु कभी भी बिना डॉक्टर के परामर्श के आप मेडिसिन ना छोड़े वरना आप अपनी लाइफ से हाथ धो देंगे।